जनता मुजफ्फरनगर में आज क्रांति सेना ने कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया। क्रांति सेना के प्रकाश मार्केट स्थित कार्यालय पर आयोजित बैठक में प्रदेश महासचिव मनोज सैनी ने कहा कि पिछले 28 वर्षों से आनंद भवन में ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में आयोजित किए जाने वाला विराट कांवड़ सेवा शिविर इस बार नवगठित क्रांति सेना के बैनर पर 24 जुलाई से 6 अगस्त तक लगाया जाएगा। इससे पूर्व कांवड़ सेवा शिविर ललित मोहन शर्मा के शिवसेना में रहते हुए शिवसेना के बैनर पर लगाया जाता रहा, पर शिवसेना के हिंदू विरोधी नीतियों के कारण एक वर्ष पूर्व ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में हजारों शिव सैनिकों ने शिवसेना छोड़कर क्रांति सेना का गठन किया था। संवाददाता पवन अग्रवाल की खास रिपोर्ट। बताइए आज की मीटिंग आपको किस उद्देश्य को लेकर? आज क्रांति सेना कार्यालय पर पदाधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त किया गया, क्योंकि उन्होंने कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है जिससे सभी भोलों में हर्ष की लहर है। और आज यहाँ ये भी निर्णय लिया गया है कि अनंत भवन में जो कांवड़ सेवा शिविर 28 वर्षों से ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में लगाया जाता था और वो पहले शिवसेना के बैनर पर लगता था क्योंकि ललित मोहन शर्मा जी शिवसेना में थे, 29 बार वो कांवड़ सेवा शिविर क्रांति सेना के बैनर पर लगाया जाएगा। सभी जानते हैं कि लगभग एक साल पहले ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में शिवसेना के हिंदू विरोधी नीतियों के कारण हजारों शिवसैनिकों ने शिवसेना छोड़कर क्रांति सेना का गठन किया था, इसलिए इस बार यह कांवड़ सेवा शिविर क्रांति सेना के बैनर पर लगाया जाएगा। कब से कब तक लगेगा? सभी जानते हैं कि जो ये हमारा कांवड़ सेवा ललित मोहन शर्मा जी के नेतृत्व में लगता है, ये जनपद में लगने वाला सबसे बड़ा कांवड़ सेवा शिविर है। ये प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर शुरू होता है, तो इस बार ये 28 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, 28 जुलाई से 6 जुलाई शिवरात्रि तक ये कांवड़ सेवा शिविर लगाया जाएगा। इस कांवड़ सेवा शिविर में पहले की भांति दिन रात कांवड़ियों के लिए भोजन, चाय, दूध, नाश्ता, उनकी चिकित्सा व्यवस्था वे सभी तरह के भोजन आदि की व्यवस्था भी हमेशा रहती है। और जिस प्रकार दिन रात हमेशा हमारे बहादुर सैनिक पहले कांवड़ियों की सेवा करते थे, इस बार भी इसी प्रकार इस कांवड़ सेवा शिविर में क्रांति सैनिकों के द्वारा सेवा की जाएगी।